हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास बात बताने वाले हैं। बिल्कुल आपने थंबनेल देख ही लिया है, टाइटल पढ़ ही लिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप भी अपने एक नॉर्मल सी आर टी टीवी को, जिसको हम कह लीजिए तो एक पुराने जमाने का टीवी भी कह सकते हैं या फिर एक डब्बा टीवी भी कह सकते हैं, प्लीज इस चीज को आप फील मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो जमाना है वो बदल चुका है। आज जो ट्रेंड कर रहा है वो हमारा LCD टीवी कर रहा है, LED टीवी कर रहा है, स्मार्ट टीवी कर रहा है, या फिर आपका एंड्रॉइड 4K टीवी कर रहा है। लेकिन अब जो पुराने जमाने के टीवी हमारे हो गए हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं पुराने जमाने का टीवी ही कह लेते हैं या फिर एक डब्बा टीवी ही कह लेते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल चौरस शेप में हमें नजर आते थे। मेरे घर पे भी जो मौजूद है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, और उसी में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उसे एक एंड्रॉइड का रूप दे सकते हैं। वही टीवी अगर आपको YouTube भी दिखाए, Netflix भी दिखाए, Hotstar भी दिखाए, Amazon Prime Video भी दिखाए, तो कितना हमारे लिए फायदा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपको जब वो नॉर्मल डब्बा टीवी है, वो एक स्मार्ट टीवी बन जाएगा, और उसमें जो भी ऐप्स हैं, एंड्रॉइड ऐप्स हैं, या तक कि गूगल प्ले स्टोर भी आपके लिए अवेलेबल है, तो जो चाहे वहां पर आप ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या तक कि गेम प्ले भी कर सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा, उसके लिए हमारे पास डिश स्मार्टअप का सेटअप बॉक्स है। आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको अपने CRT टीवी में एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स भी चलाकर दिखाया हुआ है। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि अगर हम इस बॉक्स को ले लेते हैं तो क्या ये हमारे CRT टीवी में भी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बिल्कुल करेगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मैं डिश स्मार्टअप सेटअप बॉक्स भी अपने नॉर्मल डब्बा टीवी में ऑडियो वीडियो के पोर्ट से चलाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर HDMI की कोई जरूरत नहीं है, आपके उसी ऑडियो वीडियो पोर्ट से ही आसानी से ये सेट टॉप बॉक्स कैपेबल है, आसानी से चल जाते हैं, और उसमें आप आसानी से जो भी चाहें अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को, जो भी फीचर्स आपको डिश स्मार्टअप में मिलते हैं वो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंपनी बेशक आपको रेकमेंड करती है कि आप LCD टीवी या फिर LED टीवी के लिए ही इसे परचेज कीजिए, लेकिन हम आपको रेकमेंड करते हैं कि अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब आपका बजट अच्छा हो जाएगा तो अपनी दिवाली के टाइम पर या क्रिसमस के टाइम पर LCD या LED परचेज कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो गुजारा करने के लिए आप इस सेट टॉप बॉक्स को अपने CRT टीवी के साथ भी ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाते ही ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर लेकर आ चुका हूँ, और आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास भी पैनासोनिक का बहुत ही पुराना टीवी मौजूद है। और अगर आपके पास भी एक CRT टीवी है और आप सोच रहे हैं कि हमारे पास भी एक टीवी को एंड्रॉइड बनाने का मौका होना चाहिए, तो बिल्कुल आपके पास मौका है। अगर आपके पास डिश स्मार्ट हब का सेट टॉप बॉक्स है तो उसे आप इस CRT टीवी में, डब्बा टीवी जिसे हम कहते हैं कई बार, उसमें आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं उसके लिए आपको मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से आप भी अपने नॉर्मल टीवी को उसे स्मार्ट टीवी बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको मैं एक वायर दिखाने वाला हूँ जो कि ऑडियो वीडियो की रहती है, जो कि सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट होगी, तो वो आपके पास होनी चाहिए, जिसे हम 3-in-1 AV केबल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट्स हैं, इसी के साथ हमारे लिए जो है इस साइड भी हमारे लिए कुछ इस तरह के पोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो वायर है वो हमारे लिए 3-in-1 वाली जैक के साथ रहती है, क्योंकि आज के वक्त में सेट टॉप बॉक्सेस आ रहे हैं वो 3-in-1 वाले जैक वाले आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो वायर है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है आपका डिश स्मार्ट हब आपके नॉर्मल CRT टीवी में कनेक्ट हो पाएगा। ये जो वायर है वो आपको लोकली कहीं से भी मोबाइल की शॉप से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वहाँ से भी इसे पता कर सकते हैं। तो आप पीछे पोर्ट्स दे सकते हैं कि हमारे बीच जो AV का पोर्ट दे रखा है उसमें हम जो है अपनी ये वाली जो AV वायर है 3-in-1 वाली, उसे कनेक्ट कर देते हैं बॉक्स के पीछे। तो हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो भी इसके पोर्ट्स रहते हैं, चाहे वो सैटेलाइट का पोर्ट हो, आप देख सकते हैं TV चैनल्स को देखने के लिए, और इसके अलावा जो हमारा अडैप्टर का पोर्ट होता है उससे कनेक्ट कर लीजिए। पीछे जो है जो भी आपके AV के पोर्ट्स दे रखे हैं उसमें आपको लाल की जगह पे लाल लगा देना है, और येलो की जगह पर आपको येलो लगा देना है, और जो वाइट है उसकी जगह पे वाइट आप लगा देना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो शुरू हो चुका है। आसानी से आप इसी तरीके से अपने CRT टीवी को स्मार्ट बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि डिश स्मार्ट जो हब सेट टॉप बॉक्स हमारे लिए एंड्रॉइड का रहता है, वो हमारे नॉर्मल CRT टीवी में भी सपोर्ट करता है। अगर आपको कंपनी ये रिकमेंड करती है कि आप केवल इसे अपने LCD या LED टीवी में लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जो है अपने नॉर्मल
CRT टीवी में भी इसे लगा सकते हैं और उसे एंड्रॉयड का रूप एक दे सकते हैं। जो भी आपके OTT एप्लीकेशंस होती हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो, Amazon प्राइम वीडियो हो, नेटफ्लिक्स हो, इसके अलावा यूट्यूब ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ इसमें आपके लिए सपोर्ट करने वाली है। और आपको मैं यहाँ पर बाकायदा यूट्यूब भी चला कर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको पहले हम शुरू होने देते हैं। तो हमारे लिए जो है डिश स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब सिंपली जो भी आपकी OTT एप्लीकेशंस है उसे यहाँ पर आप रन कर सकते हैं। होम बटन प्रेस कीजिए तो जो भी इसका यूज़र इंटरफेस आपको मालूम है इसी प्रकार से रहता है डिश स्मार्ट हब का। जो भी यहाँ से चीज़ें एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पर सभी ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सोनी लिव है, ऑल्ट बालाजी है, वूट है, Z5 है, प्राइम वीडियो है, गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, यूट्यूब मिल जाएगा आपको, गूगल प्ले म्यूज़िक मिल जाएगा, एयरटेल एक्सट्रीम एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अलावा साइड और लॉन्चर आप कर सकते हैं, टॉप TV हो, जो भी हो एप्लीकेशन यहाँ पे चला सकते हैं। सिंपली जो है सबसे पहले आपको मैं मेजर जो सबका चाहता एप्लीकेशन रहता है उसका नाम है यूट्यूब, वो भी आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली हम एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाते हैं और वहाँ से हम जाएंगे ऐप्स में। ऐप्स में आ जाने के बाद सी ऑल ऐप्स में आकर यहाँ पर सभी एप्लीकेशन हमारे लिए जो इंस्टॉल्ड हैं वो आपको नज़र आएंगी। उसमें से हम यहाँ पर जो है आपको यूट्यूब चला कर दिखाते हैं। सिंपली ओपन पर ओके प्रेस कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक नॉर्मल डब्बा TV भी आपको यूट्यूब दिखा रहा है। ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर जो यूट्यूब आपके लिए लोड हो चुका है, आप कोई भी कंटेंट यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो सिंपली जो है यहाँ पर आपको मैं अपना जर्नलिज्म गाइड जो यूट्यूब चैनल है वो भी दिखा देता हूँ। हमारे द्वारा जो भी बनाई गई वीडियोस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली उस पर ओके प्रेस कर दीजिए जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल्स की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके लिए माइक्रोमीटिंग की। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल प्रॉपरली रन कर रहा है। केवल यही नहीं, आप यहाँ पर कोई भी कंटेंट को चला सकते हैं जो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ से गूगल प्ले स्टोर भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली ओपन कीजिए और आप देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर भी हमारे लिए प्रॉपरली चल रहा है। जो भी आप चाहें आप यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपको ये कहता है कि आप CRT TV में डिश स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स को नहीं चला सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब चाहें अपने नॉर्मल TV को भी आप एंड्रॉइड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अगर अपने नॉर्मल TV को स्मार्ट बनाना हो तो वह डिश स्मार्ट का चुनाव जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।